हेलो एवरीवन, आज हम लोकलाइजेशन देखते हैं कि एक एंड्रॉयड स्टूडियो में लोकलाइजेशन कैसे होती है। लोकलाइजेशन क्या होती है? लेट सपोज मैं यहाँ पर चूज लैंग्वेज में उर्दू लैंग्वेज चूज करता हूँ, तो ये देखें ये ऐप सारा उर्दू में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले आपने एग्जीमेल मेन एक्टिविटी में आकर यहाँ पर पहले यहाँ ये स्ट्रिंग जो है ना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ओपन ट्रांसलेट एडिटर, इस पर क्लिक करना है। सही है, तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन एडिटर ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर ये देखिए ये वर्ल्ड का आइकन जो एड लोकेल, इसके साथ ये देखिए एड लोकेल, इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर उर्दू सर्च करते हैं, तो ये देखिए उर्दू आ गया, वैसे क्या लिखे यू आर, तो ये तो हो गया। सही है, अब आते हैं यहाँ पर, ये देखिए उर्दू ऐड हो गई, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, इसको हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो इसे ट्रांसलेटर सेलेक्ट किया हुआ, जैसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको हेलो वर्ल्ड कॉपी करके यहाँ पर क्रोम में आकर इंग्लिश टू उर्दू यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, तो ये तो कन्वर्ट हो गया। सही, यहाँ पर ये देखिए एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर आते हैं इस एग्जामिनर में, और एग्जामिनर में पहले यहाँ पर टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं, टेक्स्ट व्यू रैप कंटेंट, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं टेक्स्ट व्यू। सही, और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, टेक्स्ट दे देंगे, टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड, या वो स्ट्रिंग दे देते हैं हेलो वर्ल्ड, ये स्ट्रिंग है। सही है, जो मैंने ऐड किया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको टेक्स्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट साइज लेट्स सपोज 40 SP, और अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पर एक स्पिनर लेते हैं, स्पिनर, और इसको रिविट हम मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं, आईडी स्पिनर, ये भी हो गया। और हम इस टेक्स्ट व्यू को पहले सेंटर इन पेरेंट कर देते हैं, सेंटर इन पेरेंट ट्रू, ओके। और यहाँ पर इसको बिलो आईडी टेक्स्ट व्यू, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये टेक्स्ट व्यू के नीचे आ गया, और टेक्स्ट व्यू इस होल स्क्रीन के दरमियान आ गए। सही, अब क्या करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर सबसे पहले एक स्पिनर लेते हैं, स्पिनर, और स्पिनर नाम देते हैं। और फिर क्या करते हैं, स्पिनर को लेट सपोज मैं इन्फ्लेशन कर देता हूँ, फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आईडी डॉट स्पिनर नाम दे दिया। सही, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक लैंग्वेज के लिए स्ट्रिंग ऐड करते हैं, स्ट्रिंग एरे, तो फिर उसको नाम दे देते हैं लैंग्वेजेस, नाम दे दिया। और यहाँ पर ब्रैकेट पहले हम चूज कर लेते हैं, चूज लैंग्वेज दे देते हैं, सॉरी लैंग्वेज,
और फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ पर कॉमा पेयर क्या देते हैं, इंग्लिश और पेयर उर्दू, सही है। यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे, यह हो गया। अब यहाँ पर एक एरे अडाप्टर लेंगे, सही, एरे अडाप्टर, और इसको स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग, यहाँ पर इसको अडाप्टर नाम दे देते हैं, अडाप्टर इक्वल एरे अडाप्टर, यहाँ पर पेयर स्ट्रिंग, सही, पैरेंथेसिस लगाते हैं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाना था तो न्यू लगाएंगे, सही, न्यू लग गए। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दे देंगे, तो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, फिर कॉमा, फिर लेआउट दे देंगे आर डॉट लेआउट डॉट सपोर्ट सिंपल, और फिर कॉमा, फिर क्या कर लेंगे इसको लैंग्वेज, ये जो ऊपर ऊपर स्ट्रिंग बनाई एरे, ये असाइन कर देंगे लैंग्वेज, सही, फिर सेमीकोलन, यहाँ पर लेट्स सिंपल स्पिनर कर देते हैं सिंपल, यहाँ पर इस अडाप्टर को सेट ड्रॉप डाउन व्यू रेशन आर डॉट लेआउट डॉट, ये भी हो गए, और यहाँ पर ये तो हो गए। यहाँ पर अब स्पिनर डॉट सेट सेलेक्शन इसको ज़ीरो कर देते हैं, और यहाँ पर इसको हम अडाप्टर सेट कर लेते हैं, स्पिनर डॉट सेट अडाप्टर, अडाप्टर कौन सा नाम है, अडाप्टर, अडाप्टर ये नाम दिया है यहाँ पर, तो ये सेट हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब स्पिनर को स्पिनर डॉट सेट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, यहाँ पर न्यू अडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सेलेक्टेड लिस्नर, इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ मेथड्स भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे इसके साथ, सही। जब ये हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे इसके साथ, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग सेलेक्टेड लैंग्वेज इक्वल टू अडाप्टर व्यू से लेगा, तो इसको अडाप्टर व्यू असाइन कर देते हैं डॉट गेट आइटम पोजीशन, और इसको आई पास कर देते हैं से डॉट और डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, सही है, कौन सा कंडीशन, इफ सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट इक्वल्स क्या इंग्लिश, तो क्या कर लो ये रन कर लो, और यहाँ पर फिर एल्स इफ इफ सेलेक्टेड लैंग्वेज डॉट इक्वल्स उर्दू, तो क्या कर लो आप यहाँ पर एल्स कर देंगे, एल्स एल्स यहाँ पर एक टोस्ट शो करेंगे, टोस्ट क्रिएट, टोस्ट टोस्ट क्रिएट होगा, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ पर लिख लेंगे प्लीज सेलेक्ट लैंग्वेज लैंग्वेज, सही है। अब यहाँ पर आते इस ऑन क्रिएट के नीचे, अब यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड सेट लोकेल, और यहाँ पर एक्टिविटी पहले पास कर लेते हैं, यहाँ पर इसको मैं एल बड़ा कर लेता हूँ, पहले एक्टिविटी पास कर लेते हैं, एक्टिविटी यहाँ पर स्ट्रिंग लैंग्वेज लैंग्वेज कोड, सही है। अब यहाँ पर मैं एक लोकेल का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, लोकेल डॉट लोकेल इक्वल टू न्यू लोकेल, सही, यहाँ पर क्या लेता हूँ लैंग्वेज कोड लोकेल डॉट सेट डिफॉल्ट, यहाँ पर इस लोकेल को पास कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं रिसोर्सेज को लेते हैं, रिसोर्सेज डॉट इक्वल एक्टिविटी
डॉट गेट रिसोर्सेज, यहाँ से रिसोर्सेज लेंगे। सही है, अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इक्वल, यहाँ पर इस रिसोर्सेज से गेट कॉन्फ़िगरेशन। सही है, बिल्ड डॉट वर्जन डॉट एच डी के इंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू बिल्ड डॉट वर्जन कोड्स डॉट ज़ीरो, तो ये चला लो। सही, अगर ये इक्वल हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन डॉट सेट लोकेल, और क्या देंगे लोकेल। आप यहाँ पर आकर रिसोर्सेज डॉट अपडेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे और फिर कॉमा, इस रिसोर्सेज को पास कर लेते हैं डॉट गेट डिस्प्ले मैट्रिक्स, तो ये एक मेथड बन गया। अब यहाँ पर आते और यहाँ पर क्या करते हैं, सेट लोकेल, यहाँ पर पहले एक्टिविटी पास कर लेते हैं मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और फिर कॉमा लिख के कौन सी लैंग्वेज, यहाँ पर en पास कर लेते हैं। सही है, और फिर क्या करते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, फिर न्यू इंटेंट, इसको वापस इसी एक्टिविटी पे लाते हैं डॉट दिस, और यहाँ पर कॉमा, फिर क्या करेंगे मेन एक्टिविटी डॉट क्लास। अब यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते यू आर। सही, ये चेंज हो गया, अब इसको रन करते। अब यहाँ पर ये देखे, यहाँ पर मैं लेट सपोज इसको उर्दू में चेंज करता हूँ, ये देखें ये उर्दू में चेंज हो गया। अगर मैं इसको लेट सपोज इंग्लिश में चेंज करता हूँ तो ये इंग्लिश में चेंज हो गया। अब एक दूसरा तरीका है, यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ये कमेंट हो गया, और यहाँ पर आकर इसको भी कमेंट कर देता हूँ, इस सारे कोड को भी कमेंट कर देता हूँ, फिर यहाँ पर आकर इसको भी कमेंट कर देता हूँ। सही, एक सारा कमेंट होगा जब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये चेंज करना है मोबाइल के हिसाब से तो उसके लिए आपने सिर्फ उधर लैंग्वेज लेनी है ट्रांसलेटर एडिटर में। यहाँ पर मैं आता हूँ सेटिंग में, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज, ये लैंग्वेज, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ उर्दू में, फिर यहाँ पर आता हूँ और इसको देखो, ये देखो चेंज हुआ है उर्दू में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।